Today we are going to study criminal misappropriation of property. That is section 403, which talks about dishonest misappropriation or criminal misappropriation of property. इसमें क्या होता है? Whoever dishonestly, so mens rea is dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property. तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन आप किस चीज़ का कर सकते हो? किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का कर सकते हो. यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का टाइप दिया है, प्रॉपर्टी का टाइप दिया हुआ है. इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते. सर्टन सच काइंड ऑफ अ पर्सन विल बी पनिशेबल विथ अ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और बोथ और फाइन. तो अभी यहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन मूवेबल प्रॉपर्टी का या कन्वर्जन मतलब क्या, एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? इलस्ट्रेशन देख लेंगे, इलस्ट्रेशन से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. अगर आप पहला इलस्ट्रेशन देखेंगे, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन, कि किसी की प्रॉपर्टी है, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई जान पहचान वाला है, आपका कोई तो एक्वेंटेंस है, उसकी प्रॉपर्टी आपने अपने खुद के पोजिशन में ले ली गुड फेथ में. दिस इज डन इन गुड फेथ. अब नॉर्मली मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि आप रूममेट्स के साथ हैं, है ना, मोबाइल रखे होते हैं या बाइक की चाबी आपने इस्तेमाल कर ली, तो इसमें कई बार गलती से आपका इंटेंशन नहीं था. जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इंटेंशन बिल्कुल नहीं था चोरी करने का, चोरी बोला गया दैट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू थेफ्ट, लेकिन गलती से या कभी कभी जानबूझ के आपने उस चीज़ को अपने पोजिशन में ले लिया, लेकिन इन गुड फेथ की, हाँ भाई, पर आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई. देन वॉट टू से, अभी झूठ बोलोगे आप, कह रहे भाई आपने किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक है सब उसका, आजकल वो एक्टिवा की चाबियां ऐसी हैं कि किसी की भी चाबी कौन सी भी एक्टिवा को लग जाती है. ऐसा हुआ है मेरे दोस्त के साथ, तो दो एक्टिवा साइड साइड में वाइट कलर की, कोई नंबर देखता नहीं, चाबी घुमा दी, हाँ लग गई चाबी, ये अपनी एक्टिवा है, लेके जाते, लेकिन दूसरी एक्टिवा को चाबी नहीं लग रही. तो कोई इंसान उस एक्टिवा को, अरे भाई मुझे नहीं पता कहाँ गई मुझे, ये तो मैं अपनी एक्टिवा लेने आ गया, अब सीसीटीवी में दिख रहा है कि ये फिर से आया, वो बाइक को उसने बेच दिया या उस बाइक को उसने, बट वाइल टेकिंग दैट एक्टिवा ही थॉट दैट दैट बाइक बिलोंग्स टू हिम ओनली, मेरी ही प्रॉपर्टी है. जैसे इन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका इंटेंशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे चोरी करने का क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में, वरना वो थेफ्ट हो जाएगा. चाबी थी आपके पास एक्टिवा की, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एक्टिवा स्प्लेंडर कि उनकी जो बुलेट की भी चल रही, क्या बाप रे, बड़ी दिक्कत आ गई, कोई भी खोल देता है. तो ये आजकल बाइक्स की चाबियां इतनी सिमिलैरिटी होने की वजह से कौन सी भी चाबी कौन सी भी गाड़ी को लग जाती है, और गलती से, अभी यहाँ पे चोरी नहीं की आपने, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने कहा आपका इरादा बदल गया कि आप गए अपने एक्टिवा ली, उसके बाद पता चला कौन सी गाड़ी लेके आ गया मैं, किसी और का नंबर है. नॉर्मली व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो बैक टू द पार्किंग जहाँ से आपने गाड़ी उठाई थी, वहाँ पे पार्क करके अपनी एक्टिवा आप लेके जाओ, नॉर्मली आपने करना चाहिए. लेकिन आपने क्या करा, वो एक्टिवा आपने बेच दी या वो एक्टिवा आपने रख ली, कुछ भी कर सकते हो, यू कीप इट टू योर सेल्फ. लेकिन लेते समय हमेशा याद रखना उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, ही टुक इट इन हिज पोजिशन इन गुड फेथ थिंकिंग कि वो प्रॉपर्टी उसकी. इन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेते समय एक्टिवा लेते समय उनको लगा कि बिल्कुल सही है, अपनी गाड़ी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अपनी गाड़ी नहीं है, अपना मोबाइल नहीं है, अपनी कार नहीं, दैट्स व्हाई इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, या अपनी चेन नहीं है, अपनी अंगूठी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. उसके बाद आपका इरादा बदल जाता है और आप उस प्रॉपर्टी को रिटर्न नहीं करते, गलती से, कभी वॉलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और गलती से आपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन बाद में रियलाइजेशन के बाद कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने वापस कर देना चाहिए, आपने नहीं करा, यू कीप इट टू योर सेल्फ, और कुछ भी बेच दिया, मॉर्गेज कर दिया, लोन ले लिया उसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो दैट विल बी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403. देखिए, अगर रास्ते पे आपको 500 रुपये की नोट मिली, वेरी सिंपल एग्जांपल, या 2000 की नोट मिली, या वॉलेट गिरा हुआ मिला, सबसे पहले व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड सिटीजन,
कि जिस किसी का भी है उसको इन्फॉर्म करके उसको वापस कर दो। अभी मेरे साथ भी हुआ था, मेरा वॉलेट गिर गया मेरे बैग में से, मैं बाइक पे था, चेन खुल गई, आई डोंट नो चेन खराब हो गई, चेन खराब ही थी, वॉलेट नीचे गिर गया, तो मुझे पता ही नहीं। आई वेंट टू द ऑफिस एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन कि आपका वॉलेट मिला हुआ है। मतलब क्या मेरा वॉलेट? देन आई सॉरी चेन तो ओपन है। तो आई वेंट बैक, तो ऑब्वियसली वो कोई ऑटो वाला था, उसने बोला सर आपको अगर चाहिए आपका वॉलेट तो आप हमें 500 रुपये दीजिए। ठीक है भाई, बख्शिश, 500 रुपये ले लो। और मुझे क्योंकि वॉलेट मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे, पैसे गायब हो गए थे, जो भी मेरे 1000-2000 आई डोंट रिमेंबर 2000-1000 के आसपास कैश थी मेरे पास। अभी का ज़माना तो कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ जीपे चल रहा है, थैंक गॉड, या अपना कार्ड होता है। लेकिन मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सब था, तो मेरे लिए वो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एज अ पर्सन। लेकिन 500 रुपये की नोट है, 2000 रुपये की नोट है, सोने की रिंग है, सोनी की चेन है, तो अगर देखिए अगर करेंसी मिल रही तो जेब में डाल के आप चले जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि 5 रुपये का सिक्का नीचे गिरा हुआ होता है, हम उठा लेते हैं, चॉकलेट खरीद के खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ठीक है, या 500 की नोट मिल गई, अरे पार्टी चलो आज चपटी का सोए हो गए तो ज़्यादा 500 में काफ़ी आ जाएगा, तो वो हो जाएगा करेक्ट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ी ना पूछोगे किसका है किसका है, सब बोलेंगे हाँ मेरा है। बट अगर सोने की चेन है या अंगूठी है तो आप बोलोगे मेरी, हाँ भाई कैसे तेरी है, प्रूफ चाहिए ना। कोई भी आके क्लेम करेगा ये अंगूठी मेरी है, दिखा कुछ प्रूफ है, फोटोग्राफ है, कोई बिल है, क्योंकि आप गोल्ड का बिल होता है हर चीज़ के लिए, करेक्ट, तो वो होना चाहिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज दैट यू शुड लुक अराउंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड टेक एफर्ट्स। फिर नहीं करा और आपको पता है कोई ढूंढ रहा है फिर भी आप नहीं दे रहे हो, अगर मिल गया तो थेफ्ट है, देन थेफ्ट। नाउ दैट पर्सन हैज टू प्रूव, द अदर पर्सन हैज टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। सोने की चेन हो, सोने की रिंग हो, कुछ भी हो, करेंसी का तो उसको बताना पड़ेगा नंबर क्या है। अब वो तो किसी को याद नहीं है भाई, हमें तो खुद के अपने दोस्तों के अपने घर वालों के मोबाइल नंबर पता नहीं। अरे गर्लफ्रेंड का फोन नंबर हमको मुझे याद नहीं, हमको आएगा जनरल है ना, तो अपना जो सीरियल नंबर कैसे याद रखोगे नोट का, तो खत्म। मतलब ऐसी देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज इन विच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इट दैट बिलोंग्स टू मी, बट अदरवाइज इफ इट इज़ प्रूवेबल। कभी कभी होता है सो रिंग पे कुछ लिखा है या लॉकेट है, फोटोग्राफ है उसके अंदर, वो सब बुलशिट फोटोग्राफ वाला, वैसा कुछ है तो आप प्रूव कर सकते हो। बट अगर नहीं है उसके पास एविडेंस, दैट विल बिलोंग टू यू। वॉट एवर प्रॉपर्टी यू फाइंड, इफ नोबडी इज एबल टू प्रूव इट, इवन दे आर क्लेमिंग कि ये प्रॉपर्टी हमारे पर, वो प्रूव नहीं कर पा रहे, आपको मिली, आप ओनर हो, समझ में आया? ओके। उसके बाद जैसे एक्सप्लेनेशन टू अगर आप देखें, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजिशन ऑफ एनी अदर पर्सन, जैसे अभी आपने जो बोला किसी और के पोजिशन में प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इससे अच्छा अगर आप इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, ए फाइंड्स अ रूपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू हुम द रूपी बिलोंग्स, ए पिक्स अप द रूपी, हियर ए हैज नॉट कमिटेड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। पैसे गिरे हुए हैं रस्ते पे, उठा के जेब में डाल दिए, ये चोरी नहीं है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो? उस दिन या उस वक्त भगवान आपके ऊपर खुश है, रख लो 5 रुपये का सिक्का, एंजॉय, 10 रुपये का सिक्का, चलो 100 रुपये, 500 रुपये की नोट, 200 रुपये की नोट, वॉट एवर, सो दैट टाइम इट्स योर्स, ओके। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है ओनर कौन है तो उसको दे देना चाहिए, अगर नहीं देन इट विल बी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, देन इट विल बी क्रिमिनल। घर में चले गए और आपको डाइनिंग टेबल पे सोने की रिंग दिखी, कोई अब मेरा भी आदत है, मैं ये मेरा हाथ का कड़ा है, अब ये सोने का होता तो मैं यहाँ नहीं होता, ये पढ़ा रहे अगर ये सोने का कड़ा होता तो मेरी आदत है खाते समय या लिखते समय ये बीच में आता है, तो मैं क्या करता हूँ निकाल के टेबल पे रख देता हूँ, हमेशा मैं भूल जाता हूँ, हमेशा आई फॉरगेट। हाँ मैं अपने धुन में चला जाता हूँ, फिर मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं, उनको याद रहता है ये भूलने वाला है, मेरे दोस्त बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा दोस्त मेरा, तो वो बोलते हैं अरे ये तेरा फिर से तू भूल गया कड़ा। अब सोचो वो सोने का होता तो, अभी वो जो वेटर है उसको पता है ये इसका है, मोबाइल कभी कभी होटल से गायब हो जाते हैं, इसके लिए तो बोर्ड लग गए ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉपर्टी, वेटर को पता होता है। वैले पार्किंग में जब आप चाबी देते हो गाड़ी, गाड़ी के अंदर कुछ गायब हो गया, वैले पार्किंग गाय हैज़ द कीज, ही हैज़ द पोजिशन ऑफ द कार, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है कि आपको पता है प्रॉपर्टी किसकी, फिर भी आपने दैट इज क्रिमिनल, आपको पता ही नहीं ओनर कौन है, आपने कोशिश किया, मतलब कुछ सोने की रिंग ऑब्वियसली कोई पूछेगा तो नहीं, जेब में डाल के चला जाएगा,
बट दैट इज नॉट अमाउंटिंग टू थेफ्ट. बट यू शुड टेक कंसर्न एफर्ट्स टू आस्क और इवन गो टू द पुलिस एंड इन्फॉर्म. पार्टी कोई क्लेम भी नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, कोई क्लेम नहीं करेगा. क्यों बताए, इतना पैसा आया कहाँ से? इतना पैसा आया कहाँ से? पुलिस वाले सबसे पहले वो बोलेंगे, पैसा तेरा कैसे कहाँ से आया? क्या ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग करता है, करता क्या है? अरे सर एकेडमी चलाता हूँ सर. सब लोग कैश में ही दे रहे हैं तो क्या करूँ सर, सूटकेस भर गया. गोलगप्पे वाला वॉट एवर, सब कैश में डीलिंग. आजकल जीपी का जैसे थोड़ा आसानी हो गया. बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, जो आपने बोला मुझे उसका ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है. एंड सेक्शन 404 विच इज द ओनली टू सेक्शंस आर देयर फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, 403 एंड 404. शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. हाँ, कि भाई अगर आप देखें, हुएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वॉज इन द पोजिशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. डिसीज्ड पर्सन मतलब जो मर चुका है, और वो मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी अपने अपने नाम पे कर ली या रख ली एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन डिजीज एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल टू सच पोजिशन. आपको इलीगली एंटाइटल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं लोग मर जाते हैं और उनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, देर अलोन सिंगल, या ऐसा होता है कई बार बूढ़े लोग होते हैं तो कई बार काफ़ी कोई कोई भी कोई लेना देना नहीं होता है और उसकी काफ़ी सेवा कर रहा होता है बूढ़े आदमी की या बूढ़े औरत की इन द होप दैट कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करेंगे. ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप मुझे तो बहुत पता है, आप लोगों का नहीं मालूम, बट आई हैव सीन दैट कि कोई बूढ़ा बूढ़ी है, उनके बच्चे नहीं हैं या उनके बच्चे फॉरेन में हैं और उनके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी आजू बाजू का पड़ोसी या जान पहचान वाला या अननेसेसरी डोमेस्टिक हेल्प, ज़्यादा ही कुछ गुड़ी गुड़ी हो जाते हैं, पैर दबा के देंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, और उसके बाद पता चला कि प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे ही करके गए, हमें सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिला है, दैट्स इट. ठीक है, तो सच पर्सन शैल बी पनिश्ड अप टू 3 years, शैल बी लायबल फॉर फाइन. एंड इफ द ऑफेंडर इज एन एम्प्लॉय पर्सन, मतलब आपका सर्वेंट है, वो अगर ऐसा करता है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है. मतलब अगेन उसमें थोड़ा एलिमेंट है ट्रस्ट का, है ना, कि आपका सर्वेंट है, आपका कामकाज कर रहा है, आप उसको सैलरी भी दे रहे हो, उसको 2 वक्त का खाना भी खिला रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, मरने के बाद उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली, या उनके मरने वाले हैं और उनके पास से उन्होंने कागजात पे सिग्नेचर करवा ली उस सर्वेंट ने. तो ऐसे काफ़ी लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ही इलस्ट्रेशन है, जेड डाइज इन पोजिशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी. कुछ फर्नीचर था उसके पास, कुछ पैसे थे, हिज सर्वेंट बिफोर द मनी कम्स इन टू द पोजिशन ऑफ एनी अदर पर्सन. अब घर में पैसे हैं, कैश है, सब उस 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख घर में, क्योंकि पुराने लोग घर पे ही पैसा रखते थे, बैंक बिंक का वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे कि यार अपने पैसे बैंक में कैसे रखेंगे. उस जमाने की बात कर रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 50, 60, 70 years बैक. तो कोई बैंक में रखता नहीं था, तो घर पे लोग सब तिजोरी बिजोरी हुआ करती थी, वहाँ पे ये पैसे रखते थे. अभी सर्वेंट को मालूम है पैसा रखा हुआ है, किसी को भी बिना पता है वो सारा पैसा वो गायब करवा दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे भी घर में कोई आता जाता है नहीं. सो बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंटाइटल टू सच पोजीशन, मतलब अभी वो बूढ़ा बूढ़ी का कोई बेटा है या कोई तो सक्सेशन में है, कोई तो उनका रिलेटिव है जिसको वो पैसा मिलना चाहिए, उसको नहीं दिए बिना ये जेब में डाल के उनको बोलेगा कि पैसे है ही नहीं. सो यहाँ पे दिस इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, हियर दैट पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस एंड दैट सर्वेंट विल बी लायबल फॉर एन पनिशमेंट अप टू 7 years. ऑब्वियसली यहाँ पे अमाउंट भी देखी जाएगी, कितना पैसा है, 2000 की नोट है, क्या है रख ले, ठीक है. सो दैट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन.